Click on the bell icon to watch our latest videos. क्या वास्तु शास्त्र का पुराण शास्त्र के साथ कुछ संबंध है? पुराण शास्त्रों में वास्तु शास्त्र के जो किरदार है, तो वास्तु शास्त्र में जैसे मैंने कहा डायरेक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट है और डायरेक्शंस या दिग्ग के गार्डियंस होते हैं, प्रोटेक्टर्स होते हैं और इनका विश्लेषण, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन पुराणों में बहुत मिलता है। अच्छा। तो ये होता है कि जैसे 8 डायरेक्शंस होते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस एंड ऑर्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ऑर्डिनल इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये 8 जो होते हैं, ऐसे दिग्पाल भी होते हैं 8, और 9 और 10 इज अबव एंड बिलो, ऐसा। सो 10 दिग्पाल होते हैं। तो अगर आप मंदिरों में जाओ तो इनकी मूर्तियाँ भी मिलेंगी। जैसे नॉर्थ में कुबेर होते हैं, यक्षों के राजा। साउथ में यमराज होंगे, डेथ या पितरों के राजा। ईस्ट में इंद्र होते हैं जो देवताओं के राजा हैं। वेस्ट में ओशन होता है, दिस इज वरुण, वरुण देवता, गॉड ऑफ वाटर। फिर नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण होता है, कोई कहता है शिवजी हैं, कोई कहते हैं वो चंद्रमा है। सो नॉर्थ ईस्ट में अगर चंद्रमा है तो साउथ वेस्ट में नृत्य बैठती है। नृत्य इज एसोशिएटेड विद डेथ, एक गॉडेस है जिसका नाम एसोशिएटेड विद डेथ। और साउथ ईस्ट में फायर होता है। तो अगर आप साउथ में देखें, साउथ ईस्ट में फायर है, साउथ में यमराज है और साउथ वेस्ट में नृत्य है, अनदर गॉडेस ऑफ डेथ। और बचा फिर आपको नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में वायु, विंड। तो ये दिग्गपाल होते हैं जिनकी मूर्तियां मंदिरों में भी मिलते हैं। और कहते हैं कि चारों ये जो 8 दिग हैं, यहाँ पे एक मेल एलिफेंट और एक फीमेल एलिफेंट होते हैं और ये जो स्काई को सपोर्ट करते हैं। अबव होता है, ऑन टॉप कहेंगे कि ब्रह्मा बैठते हैं और बेस में विष्णु रहते हैं। और कुछ वर्जन्स में होता है कि नीचे शेषनाग होते हैं और शेषनाग के ऊपर विष्णु बैठे हैं जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, वी आर इन विष्णु। और जो वास्तु पुरुष है, दैट इज द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर, जिस स्पेस के अंदर हम बैठे हुए हैं, वास्तु पुरुष, वो विष्णु का एक रूप है। सो विष्णु इज टिपिकली, वो डिज़ाइन होगा कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उनका हेड है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उनके पैर हैं। तो ऐसा इमेजिनेशन है स्पेस का। तो स्पेस इज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन बीइंग और अ डिवाइन बीइंग, बट एक ऑर्गेनिज्म। देवलोक विद देवदत्त पटनायक सीजन 2 अब एक किताब के रूप में। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप।